हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बाहर बैठे पॉपकॉर्न मैं कर रही हूँ सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, वेलकम। ओके, सो इट्स मॉर्निंग टाइम। मैं आज जल्दी उठ चुकी हूँ, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं जल्दी उठी हूँ। फिर भी मैं 7:30 बजे से उठने की कोशिश कर रही हूँ और 8:30 बजे उठी हूँ। कुलदीप आ चुके हैं फंक्शन में से, लास्ट ब्लॉग से पता चल गया होगा, वो गए थे खड्डू। आज है हमारे मायरे का फंक्शन, पहले था 1:30-2 बजे का, लेकिन अभी 11 बजे तक का है। तो मैं उठ गई हूँ, उठ के मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए, पोहे। और पहले हम बाहर से ला रहे थे, फिर हम लोग घर पे बनाते हैं, घर वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस नाश्ता वाश्ता करके और मेडिसिन वगैरह लेके नहा धो के फिर मैं तैयार होने लगूंगी मायरे के लिए। सबने नाश्ता कर लिया है, सबने पोहे खा लिए हैं और दवाई भूल गई थी, कुछ नहला के दिए। बस अब शावर लेंगे। आप नहा रहे हो? पहले मैं नहा लूं? तू ना, फिर तू टाइम लगा दे यार। ठीक है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ और इसके बाद में ये नहाएंगे, फिर रेडी वेडी होंगे। और आज क्या ड्रेस पहनने वाली हूँ, कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, मैं अपनी एक नई ज्वेलरी पहनने वाली हूँ जो अभी तक आपने नहीं देखी है। सो वो सब भी आपको दिखाऊंगी। ये है मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये सूट मैंने अभी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बाहर में पहनूंगी। और सो मैंने मेरी गैम गजरे पहना है, जो कि मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी में, तो मेरी एनिवर्सरी थी उसको मम्मी पापा दिए थे, लेकिन मैंने पूरा वो नहीं पहना था। राखी शिशूर पहने, नथ मैंने ये छोटी वाली पहनी है, जो इसके साथ ही नथ है थोड़ी बड़ी, वो मैं कल पहनूंगी। और पूछी और ये बाजू वगैरह मैंने पहने, कानों के मैंने नहीं पहने क्योंकि वो बहुत बड़े थे और मेरे पास झाले नहीं थे अभी, तो क्योंकि मैंने लॉकर से भी सामान ज्वेलरी पूरी निकलवाई नहीं इस वजह से, तो बहुत हैवी हो रहे थे, तो मैंने ये छोटे वाले मेरे पहन लिए, तो ये भी मूर्तियों के हैं तो मैच कर गए। साथ में मैंने अभी हथफूल में पहने, मेरे हथफूल जो पूछी हो साथ में है, तो मैं देखूंगी तो रिंग्स पहनूंगी या फिर वो पहनूंगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और अब बताना कैसे लगे। क्या मैं तबियत ठीक है? ये हमारी दुल्हनिया निखार आ गया है। और ये देखो, ये हमारी नेहा भी दुल्हनिया बन चुकी है, न्यूली मैरिड आ गई।
और ये वहाँ पर बहुत सारे उनके रिलेटिव्स आए थे जिन्होंने मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाई थी एंड वो सब वीडियोस देखते हैं। सो बहुत अच्छा लगा अगर अभी भी वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, पहचाना, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, सो बहुत अच्छा लगा। सही लगता है, ये हमारे जीजा भी आ गए हैं भाई। तो ये है मायरा जो हम लेके गए थे, कैश था, एक गोल्ड रिंग थी, थेवा की रिंग थी, थेवा का सेट था, बहुत प्यारा है। तो ये मैंने अपने ज्वेलर से बनवाया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर वगैरह दे दूंगी। और ये सब कपड़े वगैरह भाई सगी पोशाक पर्स वगैरह ये सब था, बर्तन वगैरह थे, तो ये हमारी साइड से था। और ये वहाँ के जो उनके रियल मामूसा थे भाई सा के, ये उनकी तरफ से था, एक हाथ का गहना था और कैश था, तो ये उनके मामूसा की तरफ से था। साथ मिच के बंद कर लो आंखें, ऐसे छोटी मोटी का सोना है। मैंने नहीं सोचा था मेरी शादी पहले की हुई होती है। ऐसे सब बोल रहा अभी स्टिल चल ही रही है ब्राइडल। बनर्जी का नाम सुबह सुबह लिख दिया नहीं लिखा अभी तक। प्रोग्राम में से हम घर आ चुके हैं और मतलब अभी प्रोग्राम हुआ नहीं था, हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत हम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे सफोकेशन होने लग गया था और मेरे यहाँ पर सिर में बहुत खतरनाक वाला दर्द हो गया था। आते ही मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और वहाँ पर ज्वेलरी वूलरी एक बार ऐसे रख दिया चेंज करके, बाल बांधे और हमें थोड़ी देर सोऊंगी। कुलदीप ने का खाना वो होटल से घर भेज देंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। सुबह में हमें जाना है बाईस गोदाम, मेरे जो बड़े ससुर जी हैं, बड़े पापा साहब वगैरह वहाँ पर रामायण के पार्ट थे तो हवन हो रहा है, तो थोड़ी देर वहाँ भी जाके आना। तब तक मैं लेट रही हूँ, सर फट रहा है बुरा वाला। ये बस खाना वाना खा के फटाफट से, और मेरे को आ रही थी नींद बट लेके जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चेंज वेंज कर लिया, मैंने नॉर्मल कॉटन का ही सूट पहना है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। सुबह सुबह हम जा रहे हैं बड़े पापा साहब के घर। आ गए हैं और चेंज कर लिया है और अब बस सोएंगे। वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि वहाँ मतलब पूरी फैमिली थी मेरी, जितनी भी एंटायर फैमिली थी, तो वहाँ पर वैसे भी मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती और ना वहाँ पर ऐसे अलाउड है उन सबके साथ में ऐसे वीडियो शूट करना। सो मुझे पता था कि ऐसे मैंने कैमरा निकाला तो मेरी पक्का डांट पड़ जाने वाली है। सो मैंने वीडियो बनाना अलाउड किया, तो ऑल्सो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैं बस बैठी थी अलग से। तो बस हम लोग वहाँ से आ गए और अब मैं सोऊंगी कल। सो इस व्लॉग को तो मैं कर रही हूँ यहीं एंड, कल शादी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।